हाय गाइस, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि सऊदी अरब में किस तरीके से पेंटिंग की जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं दीवार के ऊपर सिर्फ प्लास्टर हुआ है और भी कोई काम नहीं हुआ है, और साथ में आपको दीवार की साइड में एक बॉर्डर दिखती होगी। ये बॉर्डर मार्बल से बनाया गया है। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि सऊदी अरब में घर की पेंटिंग किस तरीके से की जाती है। पहले स्टेप में आपने देखा कि चूने से दीवार को रंगा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये फेविकॉल की मशीन है। इसके अंदर फेविकॉल डाल करके उस फेविकॉल को प्रेशर से दीवार में चिपकाया जाएगा। उसके बाद जब वो सूख जाएगा तब उसको ऊपर से पेंट किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं दीवार के ऊपर चूने का काम पूरी तरीके से हो चुका है। इसके बाद प्रेशर से फेविकॉल को चिपकाया जाएगा। तो चलिए ठीक है, मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये फेविकॉल प्रेशर मशीन है, और इसी मशीन से फेविकॉल को दीवार पर चिपकाया जाता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कार के ऊपर, अलमारी के ऊपर मशीन से प्रेशर से पेंट किया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये प्रेशर की मशीन है और इसके अंदर फेविकॉल है जिसको दीवार पर चिपकाया जा रहा है। इससे थोड़ा ये हो जाता है कि खूबसूरती आ जाती है, और उसके बाद इसके ऊपर पेंट किया जाएगा। एक बात आपको और बताता चलूँ कि फेविकॉल को तकरीबन एक घंटे तक दीवार पर सूखने के लिए छोड़ा जाएगा, उसके बाद पेंट का काम शुरू होगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से किया जाता है सऊदी अरब में पेंटिंग का काम। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के इस चैनल पर आता रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।